नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टर दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स की वीडियोस लेकर आऊँगा जिसपे हम लोग छः महीने तक स्टॉक को बाय कर सकते हैं कभी भी मार्केट पे हमें फॉल दिखता है या फिर ये टाइम अच्छा है ठीक है सो so, हम लोग ये वाली सीरीज स्टार्ट करी है एंड इस सीरीज पे हर तीन दिन में मैं आप लोगों के लिए एक या दो स्टॉक्स लेकर आऊँगा जो आप छः से सात महीने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं यस, yes. सो so, आज मैं दो स्टॉक्स आप लोगों के लिए ले लेकर आया हूँ सेम सेक्टर से हैं एंड इन दोनों स्टॉक्स पे अभी बाइंग स्टार्ट हो सकती है और कभी भी डिप में इस इन्हें एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं सो so, दो स्टॉक्स हैं सबसे पहला है एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इज एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस यस सो दोनों लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से हैं एंड डेफिनेटली इनके अंदर एक अपसाइड स्टार्ट हो रही है सो so, एनालाइज स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट्स पे एंड देखते हैं किस तरीके से इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है ठीक है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप ऐसी और वीडियोज चाहते हैं सो विल डेफिनेटली मेक दैट फॉर यू ठीक है अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में आप लोगों को बताया जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे आपको पता भी चले किस तरीके से एनालिसिस करी जाती है एंड आप लोगों को ट्रेड भी पता चल जाए ओके okay? देखिएगा ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है ठीक है ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है बिकॉज यहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बना था एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक फॉल आया था ओके okay? अब हम लोग एक हाई से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज आर हाई एंड दिस इज आर ट्रेंड लाइन ओके हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली हम लोगों ने हाई भी पता लगा लिया अब हमें एक चीज पता चली है कि का ब्रेकआउट इसने दे दिया था एंड गाइस एक बात नोट करिए इट्स अ वीकली इट्स नॉट अ पर आप देख सकते हैं कम से कम फोर्थ वीक पहले एक ब्रेकआउट दिया था उसके बाद इसने रीटेस्ट करा एंड उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी अपने प्रीवियस वीक पे, ठीक है सो इट्स कंटिन्यूसली ब्रेकआउट ब्रेकआउट होने के बाद अब इसके टारगेट्स आते हैं वो आते हैं इस लेवल पे ठीक है अब बट हमें ये भी पता करना है जब एक चीज से कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है अपने रेजिस्टेंस से जब भी कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है सो तो उसका जो बिल्कुल क्लोजेस्ट वाला जो लेवल होता है ना बिल्कुल क्लोजेस्ट वो रेजिस्टेंस के लिए अगर एक्ट करे तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता वी डोंट गो फॉर अ बाय ओके सो तो इसका क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करें सो तो मैं जूम कर लेता हूँ इस चार्ट पे, देखेगा यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है आई थिंक दिस इज आर क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस ठीक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज वेल या इन डेली टाइम फ्रेम इट्स मेकिंग अ हेड एंड शोल्डर टाइम पैटर्न आई कैन शो यू राइट हेयर आप देख सकते हैं एक फॉल आया इन दिस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए एक फॉल आया एंड इट्स एन अपसाइड एक डाउनफॉल एंड इट्स अगेन एन अपसाइड सो इट्स पर्टिकुलरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस लेवल को यह ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन सी अर लेवल एज वेल और टारगेट्स जो भी होंगे वो दिस लेवल होंगे ओके सो वी कैन गो फॉर अ बाय अब दिस लेवल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि कहां पर क्या बाइंग बन रही है एंड किस लेवल पे टारगेट्स आ सकते हैं तो so देखिएगा हमें बाइंग इनिशिएट करनी है अबव एट एट्टी हमें एट के अबव बाइंग इनिशिएट करनी है एंड टारगेट शुड बी थाउजेंड के लेवल्स यस yes, थाउजेंड्स तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी पॉइंट्स तक अपसाइड दे सकता है इफ यू पुट दिस पर्टिकुलर सो हमें जो लगता है वो प्रोबेबली ट्वेल्व टू फोर्टीन तक का रिटर्न दे सकती है एंड अ स्टॉप लॉस शुड बी दिस विच इज फाइव फाइव पॉइंट फाइव परसेंट का स्टॉप लॉस एंड फोर्टीन परसेंट का यानी कि वन इज टू थ्री के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रिश्यू है एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय इन एंड इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अ नेक्स्ट स्टॉक शुड बी एच डी एफ सी लाइफ एंड सिमिलर ब्रेकआउट वी सीन हैपन जस्ट टू बीट अ सेकेंड या इट्स नॉट एच डी एफ सी इट्स एच डी एफ सी लाइफ यस

जस्ट वेट हेयर एंड यू कैन फाइंड इट ऑलरेडी जी देखिए आप लोगों ने यहां देखा इट्स गेव अ ब्रेकआउट इट्स गेव अ ब्रेकआउट ऑफ एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड उसके बाद वो इस लेवल के ऊपर गया ठीक है मी यूज ब्लैक या इसके ऊपर ही गया रिटेस्ट करा इसने मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट करा इसके नीचे क्लोजिंग एक बार भी देखने को नहीं मिली ओनली अ विक गो बाई गोज बिलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एंड उसके बाद अपसाइड में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली बट आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न को फुलफिल कर रहा है डेफिनेटली सो इट्स अ गुड बाई लेवल इन एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस एज वेल यहां पर हम लोग एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं और डेफिनेटली ये रेंज जो बना रहा है ये छोटी सी जो ये रेंज बन चुकी है इस रेंज का भी ये ब्रेकआउट अगर दे देगा तो और हाई लेवल्स ओपन होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट अगर जो इसका आता है विच इज प्रोबली आर शोल्डर जितना हमारा शोल्डर होता है उतना हमारा टारगेट होता है ठीक है सो दिस वुड बी आर फर्स्ट टारगेट ठीक है एंड विच इज सेवन थर्टी का सेवन थर्टी का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड आर सेकेंड टारगेट शुड बी द साइज ऑफ आर हेड विच इज दिस Okay? This would be our second target. So, guys, there is a huge upside in the coming months. So, please, you have to go for a buy in this particular sector HDFC life insurance and SBI life insurance. Okay? So, if you like this particular video, do like and uh, comment section mein ki if you want this particular type of video and if you want to learn this type of analysis as well. We are making a three months mentorship program and from January to March, which will be very helpful for you all. If you are interested, do. There is a number below our description. You can contact us there through WhatsApp, and we will definitely tell you how you have to proceed. Goodbye, guys, and have a nice day.